मैं क्यों कह रहा हूं जो मेरे मित्र हैं डॉक्टर नितिन कोरपाल, अगर सही कहूं तो मुझे मनु गौरहा से डॉक्टर मनु गौरहा मतलब विद्यावारिधि की उपाधि देने वाले मेरे मित्र हैं ये। उसके अलावा मुझे योग की ओर आरूढ़ करने वाले, आकर्षित करने, शंकर सर जानते होंगे कि व्यवहार से हट योग, मतलब उन्हें जो इच्छा होती थी वही करते थे। और उन्होंने, जब डॉक्टर ने कहा कि अब आपको जीवन भर दवाई का सेवन करना, ने कहा कि दवाई मैं कभी नहीं लूंगा, अध्यक्ष से रही, इसी विश्वविद्यालय के भी प्रोडक्ट रहे हैं वो। उन्होंने कहा, अध्ययन किया, पाया कि केवल और केवल एक विज्ञान है जहां पे योग को, बाकी जगह तो क्या है कि दवाई निर्भित होते हैं, एक विज्ञान है जहां पे हम योग को, हम पूर्व की के माध्यम से हम डायबिटीज को पूर्व की स्थिति में ला सकते हैं, मतलब पैंक्रियास को जागृत करने की केवल और केवल एक विज्ञान ही अनुमति देता है, वो है योग। और वहां से हमारे यहाँ बहुत सारी पोजीशन बढ़ा, और क्योंकि पिताजी ने शुरू किया इमीडिएटली तो किसी को उतना प्रभाव नहीं दिखता है, दो चार में आया कि इसका महत्व क्या है, और उसके बाद हमारे नितिन योग विभाग में आए। तो इन दो शख्सियतों ने जो योग का मुझे प्रभाव डाला, आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी तो आपको लगता है नहीं हुआ कि मैंने कभी योग किया था, पर मैं बता रहा हूं कि मैंने योग को जिया है, और यही कारण है कि मेरे यहां टेरिबली, जिसे हम कहते हैं, मिसमैनेज्ड हिस्ट्री है डायबिटीज की। मेरे यहां ननिहाल और ददिहाल पक्ष में कोई नहीं है जिनको डायबिटीज नहीं हुआ है, और सौभाग्य मेरा कि मुझे नहीं है डायबिटीज। केवल और केवल एक कारण है कि मैंने 20 वर्षों तक योग को जिया है, केवल और एक, और यही से मेरा जो आपके सम्मुख में अपने विचार अभिव्यक्त करने जा रहा था, यही से शुरू होता है, योग फॉर होलिस्टिक हेल्थ। देखिए, आप तो योग के, मैं कह जरूर रहा हूं, मैं अपने आप को भी समाजशास्त्र पढ़ाता हूं इसलिए समाजशास्त्र का विद्यार्थी कहता हूं, पर आप तो मर्मज्ञ हैं योग के, क्योंकि काफी समय से आप योग करते हुए आ रहे हैं, बहुत जानकार हैं योग के, और मैं इतना जानता हूं कि मुझसे तो बहुत ज्यादा जानते हैं, और आचार्यगण बैठे हुए, उनके सामने तो योग के संदर्भ में अगर सही कहूं तो कुछ भी बोलना उचित नहीं है, परंतु योग का उस पक्ष के संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूं जो होलिस्टिक हेल्थ को, समग्र स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है। योग बता चुका गया है कि क्या है, ये एक बैलेंस है माइंड बॉडी और सोल का, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, लिख के तो बहुत सारा लाया हूं, समय की अपनी सीमा है और दूसरा आवश्यकता भी नहीं है। तीन चीजों से मेरा जो उद्बोधन है, जो मैं आपके सामने अपने विचार अभिव्यक्त करूंगा, वो तीन शब्दों से बना हुआ है, योग है, स्वास्थ्य है और समग्र, तीन चीजें हैं। योग के संदर्भ में आप सभी जानते हैं, पतंजलि के योग के बारे में भी अभी दीदी ने भी बताया, और आप ऐसे भी आपको जानकारी होगी इसलिए उस पर प्रकाश नहीं डालूंगा। दूसरा आता है समग्र, समग्र मतलब अंग्रेजी में हम कहते हैं होलिस्टिक। ये समग्र क्या है? समग्रता का अर्थ होता है कि सारे पार्ट्स जो हैं उनको एक रूप में देखना। हमारा जैसे शरीर है, अगर एक अंग इसका खराब हो जाता है तो हम समग्रता का निर्माण नहीं कर सकते। समग्रता का निर्माण तो तभी होगा जब हम सारे अंगों को, हमारे जो सारे पार्ट्स हैं वो एक स्वरूप में काम करें, उसे हम समग्रता से कहा जाता है, उसे हम समग्र रूप में निरूपित करते हैं जब सारे पार्ट्स, सारे अंग एक साथ काम करें, एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करें। और तीसरा है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है? एक छोटे से शब्दों में, एब्सेंस ऑफ सिकनेस एंड प्रेजेंस ऑफ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एब्सेंस ऑफ सिकनेस है, मतलब मैं झूठ नहीं बोलता, मतलब ये नहीं कि मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं तटस्थ भी रह सकता हूं,
और प्रेजेंस ऑफ वेलनेस, ये तीन शब्द से जुड़ा हुआ मेरा मैं विचार है। पर चूंकि योग, स्वास्थ्य, ये सब आप सुन चुके हैं, मैं केवल और केवल समग्र स्वास्थ्य के संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा समय को बचाने के लिए। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा, मैंने अपने अनुभव के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य अपने जो मुझे प्राप्त हुआ है उसका ही वर्णन और उससे ही प्रभावित होकर मैं अपने विचार आपके सम्मुख रख रहा हूं। समग्र स्वास्थ्य क्या है? वेलनेस भी है और साथ में समग्रता के साथ वेलनेस है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, डायबिटीज का ही लेते हैं, कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, रक्त शरीर में शक्कर की मात्रा का बढ़ जाना, ठीक, मतलब आपके अंग, बेसिकली पैंक्रियास जो छन्नी की तरह काम करते हैं, इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं, वो शायद संभवतः पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से आपके अंग में क्या हो रहा है, शक्कर की मात्रा बढ़ जा रही है। स्वाभाविक है, दूसरे अंगों को प्रभावित करते हैं वो। डॉक्टर क्या कहेगा, शक्कर कम कीजिए। अब शक्कर कम कर लिया, चाय दूध में शक्कर डालना बंद कर दिया, पर हम जितना भोजन लेते हैं उसमें भी तो कहीं ना कहीं शुगर है, उसको कैसे रोकेंगे, भोजन तो नहीं रोक सकते आप। तो लोग कहते हैं कि संतुलित आहार कीजिए, पर संतुलित आहार के माध्यम से भी आप शक्कर की मात्रा को कम करने में समय लगेगा। तो डॉक्टर क्या कहता है, एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, कहते हैं ना कि आप शक्कर को कम करने के लिए आप परिश्रम कीजिए, जिससे कि जो आपको अतिरिक्त ऊर्जा आपके शरीर में आई है वो परिश्रम के माध्यम से निष्क्रिय हो जाए। ठीक, अब समग्र स्वास्थ्य के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो मालूम चलता है कि मुझे तो हृदय की बीमारी है। अब मैं दौड़ने गया और आप भी जानते हैं, अगर हृदय की बीमारी और मैंने फिजिकल एक्सरसाइज कर ली तो क्या स्थिति होगी। यहीं पे आके हमें समग्र स्वास्थ्य के संदर्भ में सोचना पड़ेगा कि एक चीज का दूसरे से प्रभाव कैसा पड़ता है और दूसरे का दुष्प्रभाव कैसा पड़ता है, और उन सारे प्रभावों और दुष्प्रभावों को इस प्रकार से संतुलित करना कि हम एक शरीर को एक स्वरूप में देख सके, एक स्वरूप में हम उसके स्वास्थ्य को देख सके, उसे ही हम कहते हैं समग्र स्वास्थ्य। 5 आयाम है समग्र स्वास्थ्य को देखने के। ऐसे तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारे आयाम बताए हैं, पर मैं आपसे केवल 5 आयाम के संदर्भ में चर्चा करूंगा। और इन 5 आयाम कौन कौन से हैं, ऐसे तो 6 आयाम हैं, पर उसकी बारे में भी बाद में जोड़ूंगा। 5 आयाम कौन कौन से हैं, भौतिक आयाम, बौद्धिक आयाम, समग्रता की बात कर रहे हैं हम, स्वास्थ्य में दोनों चीजें शामिल होती है। तीसरा सामाजिक आयाम, चौथा संवेगात्मक आयाम, 5वां आध्यात्मिक आयाम। ये जो 5 आयाम है, ये आयाम तो एक बच्चे से लेके बड़े होने तक में शामिल होते हैं। समग्रता को अगर हम चर्चा करेंगे तो इन 5 आयामों का कहाँ कहाँ हमें किन किन आयु वर्गों की आवश्यकता होती है, बच्चों से लेके बड़े होते तक, ये कौन कौन से हैं, थोड़ा सा आपको संदर्भित, थोड़ा सा आपको इस संदर्भ में जानकारी दूंगा। उसके बाद फिर 6वें आयाम के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और ये जो पूरे जो 5 आयाम है, यही मिला के हमें समग्र स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। योग के माध्यम से हम इसे करना चाहिए, योग की विधि आपको विषय विशेषज्ञों ने बता दी है, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। सबसे पहले जो भौतिक आयाम होता है, यह क्या है, आप सभी को मालूम है कि आप जब पैदा होते हैं तो 1.5 फुटिया होते हैं और आज मेरे जैसे 6 फुट हो गए, 5.5-6 आज की उम्र में, और अभी आपका और भी विस्तार होगा।
होगा, काफी लोगों का होगा, ऐसा नहीं है कि 18 और 19 हो गए तो अब हो सकता है कि रुक जाए, पर धीरे ठीक है उस गति से नहीं होगा। तो सबसे पहला जो है हमारा भौतिक आयाम है कि हम कैसे फिजिकली डेवलप हो रहे हैं। दूसरा जो आयाम है, और देखिए भौतिक आयाम के साथ एक चीज और है, जब हम सोशल साइकोलॉजी पढ़ते हैं जी, जब हम सोशल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें सेंसेस के डेवलपमेंट के संदर्भ में भी अध्ययन कराया जाता है। जो 5 इंद्रियां हैं उसके माध्यम से ही हम ज्ञान अर्जन करते हैं, इसके भी विकास को लेकर हम भौतिक आयाम में चर्चा करते हैं। दूसरा है बौद्धिक, हमारे सोचने की क्षमता, सीखने की क्षमता, मस्तिष्क का विकास कैसे हो रहा है। फिर आता है सामाजिक, आपस में हम कैसे चर्चा करते हैं, आपस में हम कैसे घुलते मिलते हैं, आपसी हम बातचीत कैसे करते हैं, किन व्यक्ति से किस स्वरूप में बात करना है, अग्रजों से हम कैसे व्यवहार करते हैं, अनुजों से कैसे व्यवहार करते हैं, ये भी तो हमारे समग्र स्वास्थ्य की ओर इंगित करता है। फिर है इमोशनल, संवेगात्मक। संवेगात्मक का अर्थ है कि हमारा इंटेलेक्चुअल जो विकास हो रहा है वो कैसा हो रहा है, जिसके माध्यम से हम एक स्वस्थ तरीके से हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। और अंतिम है हमारा स्पिरिचुअल, जो जैसा मैंने आपको बताया कि परम गौड़ा जी न्यूक्लियर साइंस के पराकाष्ठा से स्पिरिचुअलिटी की पराकाष्ठा योग तक पहुंचे हैं। ये 5 आयाम है। और जो छठवां आयाम है अब के समय में, मतलब बाल्यकाल के बाद जो वयस्कता में आता है, वो है हमारा ऑक्यूपेशनल, पेशागत आयाम, कि हम अपने प्रोफेशन में किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। प्रोफेशन में केवल व्यवहार हमें हमारे लिए संतुलन निर्मित करने के लिए नहीं है, जबकि हम जब प्रोफेशन में आते हैं तो क्या कहते हैं कि हायरार्की में हमें नीचे से ऊपर उठने का भी विकल्प होना चाहिए। और ये विकल्प कब होता है, जब आप वहां पे संतुलित तरीके से अपेक्षा अनुसार व्यवहार करें। योग हमें इन सारे आयामों को प्रभावित करता है। किस प्रकार से प्रभावित करता है ये आप सभी को मालूम है, क्योंकि आप योग के आप पुजारी रहे हैं, योग को आपने जिया है और आपने संकल्प लिया है कि आप भविष्य में योग के संदर्भ में ना केवल आप प्रैक्टिस करेंगे और इसे समाज में आगे भी बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो 6 आयाम हैं एक समग्र स्वास्थ्य के लिए, उसमें योग का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबका आभार कि आपने मुझे इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर एक दिन पहले आपने मुझे बुलाया और अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मनु जी बहुत हृदय से आभार। थोड़ा सा समय की बाध्यता है, हमारे बच्चे 5:30 बजे सुबह से प्रारंभ करते हैं, उनकी दिनचर्या सुबह 3:30 और 4 बजे से प्रारंभ होती है। कुछ बच्चे तो बंडा से भी आते हैं और 20-20, 30-30 किलोमीटर से चल के ही आते हैं सुबह सुबह, तो थोड़ी सी बाध्यता है। फिर दिन भर की तैयारियां हैं और कल दीपावली है, तो कल दीपावली के लिए इनको अभी अपने आप को झोंकना है। वो दिवाली पूजन में जो लक्ष्मी पूजन में जो व्यवस्थाएं करना है अभी बाकी है उनके लिए। तो आपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार कर हमारा गौरव बढ़ाया और साथ साथ इन विद्यार्थियों के साथ में वे पल साझा किए जिनके माध्यम से इनको ये पता चलेगा कि जो नितिन आपके सामने खड़ा होता है उसके पीछे जो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है, वो मनु गौरा है। मैं निवेदन करूंगा हमारे विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर गणेश शंकर गिरी सर से, वे अतिथियों का सम्मान सबसे पहले मुख्य अतिथि श्रीमती अरुणा सरस्वत जी से
निवेदन करता हूं वे यहां मंच की तरफ आ जाएंगी और आपका विभाग और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से प्रोफेसर गिरी सर मंत्र दुपट्टा श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगे। हमारे बाल सखा का अभिनंदन। हमारे बीच में रखा और प्रज्ञा मैडम ने योग को विश्वविद्यालय स्तर के बहुत सारे विशेषज्ञों से मार्गदर्शन और उन्होंने सहर्ष